मेरा नाम जैन पॉल है और एक हमारी फिल्म आई धूल एज ए डायरेक्टर एज एन एक्टर और अभी हमारी एक सॉन्ग आया था जो बहुत काफ़ी अच्छा रहा, याद जो आई तेरी बातें, और अभी पूरा प्रोफेशन काफ़ी बेहतर रहा। हाँ, सब कुछ काफ़ी पसंद आया। और ये जो फिल्म बना रहे हैं इसके बारे में बताइए कि कब शूट कर रहे हैं? सर अभी हमारा प्री प्रोडक्शन स्टार्ट है, हमारा 15 मई से हम लोग शूट पे जा रहे हैं, प्रॉपर गुजरात में हमारा शूट है और ये स्टोरी रियल बेस्ट स्टोरी है और वहाँ की जो मेन प्रॉब्लम है सर, हम पूरी फिल्म उस पर कर रहे हैं, बिल्कुल रियल, इस पर कोई चीज़ नहीं। जहाँ हम लोग बात करें बुलेट ट्रेन की बात, कई ऐसे घर हैं वहाँ पे जहाँ खाना नहीं मिलता है सर, तो उस पर हम पूरा रियल बेस्ट फिल्म हम कर रहे हैं। और इस फिल्म में किसको कास्ट कर रहे हैं सर? अभी तो डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट जो आए हुए हैं शायद वो लोग हैं, अभी मैं प्रॉपर नहीं कर सकता जी। कोरियोग्राफी करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, इसके अलावा और क्या करते हैं? बस सर हाँ सर, एक्टिंग और डायरेक्शन कोरियोग्राफी एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ सर, छोटा सा कैरेक्टर। हाँ सर बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि ये जो एक हम लोग सिर्फ बात करते हैं किसान के ऊपर, लेकिन रियल चीज़ क्या होती है वो उन्हें पता नहीं है, लेकिन इस फिल्म में एक यूनिटी की बात है, फार्मर की यूनिटी की बात है, तो आप देखेंगे जरूर आप लोगों को अच्छा लगेगा और किसान लोग को जब एक सपोर्ट मिलेगा कि हम लोग अगर ये वे करते हैं तो हमारे लिए कुछ हो सकता है, हमारे हक की लड़ाई के लिए। हाँ सर, ये रियल बेस्ट है और तो मैं चाहूँगा पहले फिल्म फेस्टिवल के लिए ये करें, सेकंड रिलीज वर्ल्ड वाइड। अभी तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, पता लगा है कि कोई कैरेक्टर मिल रहा है इस मूवी में। फिर भी ये बताइए, सोशल फिल्म है तो काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा आपको। हाँ, जो भी कैरेक्टर मिलेगा अच्छे से प्ले करूँगा, कैरेक्टर में एंटर करना चाहूँगा बहुत अच्छे से। क्या समझते हैं कैरेक्टर में अच्छे से घुस करके उस चीज़ के साथ रहना, उस कैरेक्टर के साथ रहना। सॉरी, हाँ अभी मैंने एक मूवी करी है गेम ऑफ अयोध्या, वो रिलीज होने वाली है, लेट्स सी अभी कब होती है सर। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जब मुझे भी ये सब्जेक्ट के बारे में पता चला तो वाकई बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार, हम लोग फिल्में बनाते हैं गांव के ऊपर, गांव में फिल्में बनाते हैं, लेकिन उस गांव के रहने वाले जो किसान हैं, वो किसान जो हमें अन्न देते हैं, जो हमारा पेट भरते हैं, हम लोग वाकई उनके बारे में शायद सीरियसली नहीं सोचते हैं। और इस फिल्म के बारे में जब मुझे पता चला तो मुझे वाकई बहुत खुशी हुई कि यस, किसी ने हिम्मत की या कोई हिम्मत कर रहा है, और मेरी सरकार से भी ये दरख्वास्त है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर आप इस फिल्म को लेकर के जितनी भी हेल्प कर सकते हैं वो करें। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर हमें किसानों के पास जाके, जो हम किसानों की बातें सुनते हैं, या हम इसमें मैंने देखा आज एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई, उस डॉक्यूमेंट्री से वाकई आज मुझे बहुत सी बातें पता लगी जो शायद हमें नहीं मालूम थी, क्योंकि हम लोग यहाँ शहर में रहते हैं, सामने रोटी आ गई, रोटी बनी बनाई रोटी खा ली, लेकिन वो रोटी कहाँ से आई, कैसे आई, उसके पीछे उस किसान ने कितनी मेहनत की होगी, उसका कितना पसीना बहा होगा, उसके बच्चा भूखा रहा होगा, बारिश में तूफान में उसने कैसे लड़के वो अनाज पैदा किया जो हम तक पहुँचता है। तो यार, जो अनाज वो हम तक पहुँचाता है, हम उसी के बारे में नहीं सोच रहे। तो इस फिल्म से हम वही सब दिखाना चाहते हैं कि किसानों के क्या प्रॉब्लम्स हैं और किसानों के लिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए। जी जी, मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ, मैं इसमें एक अहम किरदार कर रहा हूँ मिनिस्टर का, और मैं कैरेक्टर के बारे में इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि जब सामने आएगा तो दिखना चाहिए, पहले से बताना कैरेक्टर के बारे में ठीक नहीं रहेगा। इस फिल्म के लिए मेरी 2-3 फिल्में मेरी रेडी हैं, तैयार हैं, अभी रिलीज़ का उनका कुछ पता नहीं। बाकी राइट नाउ आई एम डूइंग सीरियल, टीवी सीरियल्स, एक मेरा स्टार प्लस पे आता है ये मोहब्बतें, और एक सोनी पे आ रहा है ये मोह मोह के रंग धागे।